हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? और फ्रेंड्स, आज है 21 अक्टूबर। जैसे मैंने आपको बताया था कि जो हमारे भाई हैं दिवाली का सामान लेकर आएंगे, तो वो आ गए हैं। और जो मेरे बड़े भाई हैं वो आए हैं, और दीदी के बड़े भाई दोनों आए हैं। तो जैसे आपको पता ही है कि मैं बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड तो करती हूँ नहीं जब ये लोग आते हैं, लेकिन फिर भी जैसे आप लोगों को बताया था तो मैंने सोचा थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लेती हूँ। और यहाँ पर बस आकर ये लोग नाश्ता कर रहे थे। ये लोग सुबह में जल्दी आ जाते हैं, जैसे मैंने पहले भी बताया हुआ है, दूर पड़ता है तो सुबह सुबह में जल्दी आ जाते हैं। अराउंड 7 बजे का टाइम था। और ये सामान रखा हुआ है जो ये लाए थे। और फिर इसके बाद मैंने रिकॉर्ड किया था बिल्कुल लास्ट वाला सीन, जब ये जा रहे थे। तो जब जाते हैं ना, तो मान के नाम का कुछ शगुन दे के जाते हैं, तो जो दीदी के भैया थे उन्होंने दे दिया था। और अभी जो भैया है मेरे, वो कर रहे थे ये सब, जैसे कुछ पैसे वगैरह देते हैं, तो वो वाला सीन चल रहा है अभी। और यहाँ पर इन्होंने मेरे हाथ में कैमरा देखा, मतलब फ़ोन, तो ये बस कह रहे थे कि देखो स्टार्ट हो गई फ़ोन लेकर। तो मतलब बस यही सब चल रहा था। फ्रेंड्स, अब जो सामान आया है वो मम्मी जी खोल के देख रहे हैं। एक्चुअली उन्हें पता था कि मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, तो वो अच्छे से खोल करके ही दिखा रहे थे। तो ये यहाँ पर हैनी के कपड़े रखे हुए हैं। जो दीदी की मम्मी है उन्होंने हैनी के कपड़े शगुन के नाम से भेजे, और साथ में मिठाई के डब्बे भी थे, लेकिन उन्होंने अलग से पैसे भेजे थे। जैसे सिया बड़ी हो रही है तो उसको नहीं पसंद आते हैं कपड़े, तो कहते हैं कि अपनी पसंद से सिया के और अपने अपनी पसंद से ले लो। हैनी के उन्होंने भेजे हैं और मिठाई भेजी हैं। और अभी यहाँ पर मम्मी जी जो देख रहे हैं वो मेरी मम्मी ने भेजे हैं। तो ये स्टार्टिंग में निकली है फ्रूटी, क्योंकि ऑब्वियसली मम्मी हर मिठाई भेज देते हैं, लेकिन जो बच्चे होते हैं उनको इतना शौक़ होता नहीं है मिठाई का। स्पेशली सैंडी तो ऐसा ही है, उसको मिठाई बहुत ज़्यादा पसंद नहीं, सिर्फ बर्फ़ी खाता है। तो यहाँ पर उसके लिए फ्रूटी भेजी है, मतलब तीनों बच्चों के लिए ही है। और ये हमारे सूट थे मेरे मम्मी जी का, और ये ऊपर सैंडी के कपड़े हैं। तो मम्मी जी यहाँ पर देख रही थी एक्चुअली, मतलब वो दिखाई रही थी कि मतलब कह रही थी कि ये देखो इतना है, देख लेना ठीक आता है, साइज है नहीं मोनिका, ऐसे करके तो ये चीज़ देख रही थी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जैसे मैं मम्मी जिन देखा है ना, जो सामने वाइट कलर का पॉली बैग था उसमें खिलौने थे, जो होते हैं ना चीनी के करवे, वो आए थे। और ये मिठाई है, और जैसे बच्चों के लिए मैंने बताया स्वीट्स इतने कहाँ खाते हैं, तो उनके लिए ये जो छोटे वाले डब्बे होते चॉकलेट के, वो थे तीनों के लिए। तो यही सब सामान था। और हाँ फ्रेंड्स, जैसे कि यहाँ पर सूट आए थे, तो ना ऐसे होता है कि जो जिसको पसंद होता है वो ले लेता है, ऐसा नहीं है कि ये मम्मी जी का है या ये मेरा है, ठीक है। तो जो भी होता है मतलब ले लेते हैं। पहले मैं मम्मी जी से ही बोल देती हूँ, जो उनको अच्छा लगता है वो ले लेती हैं, या वो भी कह देती हैं जो तुम्हें पसंद है, तो इस तरह से होता है। तो फ्रेंड्स, बस यही था जो भी सारा सामान था, यही आया है हमारा दिवाली का सामान।
जो अभी तक सीन दिखाया था मैंने वो सुबह का था, जो हमारे भाई हैं वो सुबह में सामान लेकर आए थे दिवाली का। और पता है जब ऐसा दिन आता है तो मुझे, हमारी अम्मा थी, हम उनको माँ बोलते थे, तो उनकी बात याद आ जाती है। वो हमेशा कहती थी, जैसे हम जो भाई बहन होते थे अगर आपस में फ़ाइट करते थे, तो वो कहती थी, मतलब मैं इतनी फ़ाइट नहीं करती थी, जो मेरी दीदी उनसे ज़्यादा होती थी, लेकिन वो कहती थी कि आज तो तुम इनसे लड़ रही हो, लेकिन एक दिन तुम इनका इंतज़ार किया करोगे इनके आने का। तो पता है वे वाला सीन होता है, अब कुछ भी जैसे ओकेजन होता है, भैया आते हैं सामान लेके, तो ऐसे इंतज़ार रहता है, मम्मी को फ़ोन करके पहले पूछने लग जाते हैं कि कब आएंगे भैया, मतलब ऐसे करके। तो और जिस दिन आते हैं तो उस दिन तो बस सुबह से ही हो जाता है कि आज भी आएंगे, अब कहाँ पहुँचे, कितनी देर में पहुँच रहे हो, ये वाली चीज़ें तो हो जाता है ऐसा। और पता है स्टार्टिंग में तो जब मेरी शादी हुई थी ना, तो जब भी भैया आते थे मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती थी, रोने लगती थी, मतलब ऐसे लगता था ना कभी हम साथ में रहते थे, और अब ऐसे आ रहे हैं ओकेजनली मिलने के लिए, मीन्स मतलब हूँ भी मैं थोड़ी ज़्यादा इमोशनल, तो मतलब मैं हो जाती थी ऐसी, बट अब तो खैर आदत पड़ चुकी है। तो बस आज दिवाली के सामान आया था। और हाँ, आप लोग कल का जो व्लॉग था उसमें पूछ रहे थे कि ये रूम कौन सा है, कहाँ बैठे हो आज आप, तो आपको मैंने पहले भी वीडियोस में दिखाया है कि एक रूम में एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा सामान रखा हुआ है, उसी जैसे दिवाली आ रही है, सामान इधर उधर शिफ्ट किया है, सफाई का काम तो इतना ज़्यादा नहीं पड़ रहा था, लेकिन लगता है ना दिवाली आ रही है तो कुछ तो करो, है ना। तो सेम यही था, सामान इधर से उधर खिसकाया है, तो अभी ये वाला रूम खाली है बिल्कुल। मैं दिखाती हूँ कैसा हो गया है। अभी जैसे मैं बैठी हूँ ना, यहाँ पे सिर्फ एक पड़ा हुआ है गद्दा नीचे, ठीक है, एक्स्ट्रा है ये गद्दा, खाली है ये रूम ना, ऐसे उधर कंप्यूटर टेबल है, ऐसा है तो ये रूम ऐसा है, इसमें स्पेस ही स्पेस है, इसको खाली कर दिया है, जैसे इसमें पहले ना एक्स्ट्रा सामान ज़्यादा रखा हुआ था वो हटा दिया है। और अभी बज रहे हैं शाम के 7, खाने पीने की तैयारी चलेगी, सब्जी बनेगी भिंडी। और हाँ, जैसे शाम का टाइम हो रहा है, होमवर्क भी कराना है बच्चों को, मैं दिखाती हूँ। अभी जैसे दिवाली आ रही है ना, तो उसके साथ की एक्टिविटी मिली है सैंडी को, सैंडी को मिला है ये, तो ये मिला है सैंडी को, ये हैप्पी दिवाली के ओकेजन पे दिया, इसको डेकोरेट करना है अभी, ये करेंगे और होमवर्क कराना है, खाना बनाने में बहुत सारे काम बचते हैं, ठीक है। तो भी देखती हूँ क्या रिकॉर्ड करूँगी आगे। इतने सारे नाम याद कर रखे चाची का और चेली आपका और कमल पिटरेज पापा का और चेली ब्लॉग्स में भी लोगों का सब चैनल बनाए हैं हमने। एक्चुअली फ्रेंड्स क्या है ना, ये वाला जो रूम है ना सबकी फेवरेट जगह बन गया है, सबका मन करता है ये जो अभी मैंने दिखाया नीचे जो बिछाया हुआ है ना गद्दा, इसी पे सबका बैठने का मन करता है। तो सैंडी बे भी आ गए थे, सिया भी आई थी, कहती ये वाला प्लेस अच्छा लग रहा है, हो जाते हैं थोड़ा अलग और हो गया है। कूट कूट के खेलते भी। और जैसे मैंने आपको बताया शाम को भिंडी बनेगी जैसे, अब तो वो भी मैं यहीं ला के काट रही हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली देर लगती है तो बैठ के काटना ज़्यादा सही रहता है। ये रही हमारी भिंडी। और सैंडी आज मामा जी आए थे, आपको कैसा लगा बताओ हमारे व्यूअर्स के साथ। अच्छा भी, ये चॉकलेट भी लाए थे और कपड़े भी लाए। आपको जो भी कपड़े लाए थे उस पे 63 लिखा था, 63 नंबर लिखा हुआ है। और सैंडी आपको स्कूल में क्या बोला है कि हम टू डेट को बटल कि गाइस अब डाउनलोड बहुत अच्छी बात बताने वाला हूँ। मेरी मैम ने ऐसे बोला है कि टू डेट को हम स्कूल में पिकनिक जाएंगे हम। हाँ। टू डेट को स्कूल, और ये बहुत खुश हो रहा है ऑब्वियसली, मतलब पिकनिक के नाम पे बच्चे खुशी हो जाते हैं। सैंडी को नहीं भेजेंगे ऊपर, नहीं मजाक कर रहे हैं। और गाइस और दीदी भी पिकनिक पे जाएंगी, दीदी आज तो कैमरे में आ जाओ। लेकिन गाइस एक बात है, मैं दीदी से पहले जाऊँगा, दीदी में बात जाएगी, मैं 2 डेट को जाऊँगा और दीदी 9 डेट को। और एक बात बताऊँ, उसके लिए 25 डेट को मैम ने ऐसे बोला है कि 25 डेट को अगर आपको जा रहे तो फिर 25 डेट को मैम को 600 रुपीज देने पड़ेंगे। अच्छा आपको पता है 600 कितने होते हैं, आपको पता है? हाँ? कि कितने चीक से डबल सी लो 550।
क्या 550 बोलो 1500 वो तो 1500 हो गए। इसको 600 का इसलिए पता था, अभी इसको 600 तक काउंटिंग नहीं सिखाई है क्योंकि मैम ने नोट डाला हुआ था डायरी में, इस वजह से इसको पता है 600 600 होते हैं, है ना। है ना। क्या क्या हमारे घर में कोई अच्छे क्या हमारे कोई घर में कोई ऐसा है जिसके पास 600 रुपये के भी बताओ कौन है। बाबा जी है, आपकी मम्मी है, आपके पापा है, माँ जी है, सब है। वही है, इसलिए कहते बच्चे इतने इनोसेंट होते हैं, इसको मतलब पता नहीं है कितने रुपीस क्या होते हैं। चलो ठीक है, तो सैंडी को पिकनिक जाना है ना। चलो तो फ्रेंड्स बस अब खाना ही बनाएंगे और पहले भी था, एक जगह पे गया था ना वो दूसरा। हाँ फ्रेंड्स बस यही ब्लॉग का एंड करते हैं, ठीक है। पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस देखने के लिए। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।